अस्सलामुअलैकुम, आप सब लोग कैसे हैं जी? अल्लाह का शुक्र मैं भी ठीक ठाक, हमेशा की तरह। दिल से दुआएं सबके लिए, अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में खुश रखे, अच्छे से तंदुरुस्ती के साथ, और किसी की कोई परेशानी बीमारी हो तो अल्लाह पाक उसको अपने कर्म से दूर कर दे, आमीन सब आमीन। तो जी आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, और आप लोगों की फरमाइश पे बना रही हूँ। काफ़ी लोगों की मेरे पास कमेंट्स आ रही थी, काफ़ी दिन से आ रही थी कि आंटी हमें नल्ली गोसिया बिरयानी की रेसिपी दें, तो मैंने सोचा आज मैं बना लेती हूँ। और काफ़ी मैं बिरयानी की रेसिपी आप लोगों को दे चुकी हूँ, आप लोगों ने पसंद भी करी। हर बिरयानी की बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी होती है, अलग ही टेस्ट होता है, और बनाने का तरीका भी बिल्कुल अलग होता है। इससे पहले मैंने आपको हैदराबादी बिरयानी, सिंधी बिरयानी, यखनी बिरयानी और ते वाली बिरयानी, कराची बिरयानी, बहुत सारी बिरयानी मैंने रेसिपी दी है, और आप लोगों ने ट्राई भी किया और मेरे पास कमेंट्स आए आंटी बहुत अच्छी बनी। इंशाल्लाह ताला ये नल्ली गोसे बिरयानी जो मैं आपको आज रेसिपी दे रही हूँ, इंशाल्लाह वो भी आपको पसंद आएगी। कोशिश मेरी ये होती है कि मैं आसान तरीके से आपको बताऊँ ताकि आप भी जो है ना अपने घर में बना सकें। अच्छा, यहाँ पर हम जल्दी से जो है नल्ली गोसे बिरयानी की बनाने के स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम गोश्त को जो है गलाने के लिए रख देते हैं उसी। तो यहाँ पे मैंने गोश्त लिया है 1 किलो। अच्छा, 1 किलो चावल लिए, तो उसमें 1 किलो गोश्त लिया है मैंने बीफ का। हाँ, मैं बाहर जा रही थी, क्या बन रहा है बिरयानी? आज मैं गोसिया नली बिरयानी बना रही हूँ। वाह, अस्सलाम वालेकुम। तो फिर आज कैंसिल घर में खाते हैं खाना इंशाल्लाह। तो मैंने क्या अभी बना रही हूँ मैं, तो फिर सभी बैठ के माशाल्लाह से खाएंगे। हाँ, बाहर जा रही थी, जाओ तुम। नहीं, घर पे जब बिरयानी बन रही है तो फिर क्यों जाए इतनी अच्छी बिरयानी बनती है घर पे, फिर इंशाल्लाह फिर चलेंगे। चलो मेरे साथ हेल्प भी करा देना। हाँ। अच्छा जी, यहाँ पे देखो मैंने लिया है ये गोश्त। अच्छा, यहाँ पे बीफ का गोश्त लिया है मैंने 1 किलो, और इसके अलावा यानी 1 किलो के अलावा ये इसके अंदर नली है, ये देखें इस तरह से नली है, और जितनी चाहें आप नलियाँ ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो है तकरीबन 3-4 नलियाँ ले ली हैं, इस साइज़ की, मीडियम साइज़ की, ज़्यादा बड़ी बड़ी नल्ले नहीं हो इतने, वरना ना चावल भी टूट जाते हैं। हाँ, और ये बड़ी नलियाँ भी होती हैं, लेकिन आपको साइज़ सही करवाना है। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं प्रेशर कुकर का यूज़ करूँगी, प्रेशर कुकर मैंने रख दिया है, और इसके अंदर हम डालेंगे ऑयल। सबसे पहले पहले हम मसाला भून रहे हैं। हाँ, तो तकरीबन जो है आधी प्याली के करीब डाल रही हूँ इसके अंदर ऑयल। अच्छा जी, ये मसालों में मैंने लिए यहाँ पे 2-3 दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, 4 से 5 अदद लिए मैंने यहाँ पे ये गरम मसाले वाली लौंग, और आधा चम्मच मैंने लिया है ये काली मिर्चें, 2 बड़ी इलायची लिए हैं, 2-3 लिए बादियान के फूल, और इसमें लेंगे मोतर कंगई सब्ज़ी इलायची लेंगे हम, तकरीबन 5-6 लेंगे सब्ज़ी इलायची, तो वो। और यहाँ पर लिए मैंने सब्ज़ी इलायची 4-5 अदद मैंने सब्ज़ी इलायची लिए। तेल जैसे ही गर्म होता है तो हम इसके अंदर डाल देंगे ये मसाले, ताकि इसका मसालों का फ्लेवर है ना वो एकदम निकल के आता है। तो जी खड़े मसाले हम इसके अंदर डालेंगे तेल में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़्यादा तेल गर्म ना हो, वरना जैसे ही तेल गर्म होगा ना आप डालेंगे तो ये जल जाएगा, तो इसको हमें जलाना नहीं बल्कि इसकी इसका फ्लेवर लेना है हमें। और ये 2 तेज़पत्ते डाल रही हूँ मैं, थोड़ा सा इसको कड़कड़ाएंगे, जब सी आवाज़ आएगी ना इसकी मसालों की कि चटर पटर आवाज़ें हो रही, समझो कि मसाले जो है ना फ्लेवर छोड़ रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हम डालेंगे इसके अंदर गोश्त, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नल्ली बिस्मिल्लाह, गोश्त की नल्ली। हाँ, मैं तो पले डरा रहा। और इसके अंदर कुछ चिकनाई है, ये हम डालेंगे इसके अंदर, बिस्मिल्लाह। इसी से इसका जायका आएगा, है ना? वो क्या कहते हैं, रिवाज, रिवाज, रिवाज कहते हैं ना। हाँ, ये रखना, बिस्मिल्लाह। इसको हम थोड़ी देर चलाएंगे, इसका थोड़ा कलर चेंज हो जाए, फिर हम इसके अंदर और मसाले शामिल करेंगे। हाँ, तो इसको थोड़ी देर हम इस मसालों में हम चलाएंगे, और बीफ का थोड़ा सा कलर चेंज होता है ना, फिर हम इसके अंदर डालेंगे मसाले। तो यहाँ पर ये देना अदरक लहसुन, अदरक लहसुन दो, अदरक। हाँ, ये अदरक लहसुन जो है ये कूटा हुआ अदरक लहसुन है, यहाँ पर मैं डालूँगी 2 टेबल स्पून इसके अंदर भर के, ये 2 टेबल स्पून भर के डालेंगे हम इसमें, 2 टेबल स्पून ही है। हाँ, अदरक लहसुन ये कुचला हुआ है अदरक लहसुन, ये डाल दिया, और इसमें हम डालेंगे हल्दी पाउडर
आधा छोटा चम्मच डालेंगे इसके अंदर ये लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे इसके अंदर डेढ़ चम्मच डाल रही हूँ मैं और धनिया पाउडर डालेंगे धनिया पाउडर आधा चम्मच डाली हूँ पिसा हुआ धनिया पाउडर और हाँ और ये कुटा हुआ धनिया है मेरे पास ये इसको मैंने कूट के भी रखा था ये मैं डाल रही हूँ एक चम्मच भर के ठीक है कुटा हुआ धनिया ये डालेंगे और ये मेरे पास सौंफ है ये भी मैंने ये पीसी हुई है मतलब कुटी हुई है मोटी मोटी तो ये मैं डाल रही हूँ एक चम्मच इसको मिक्स करेंगे और इसी में हम शामिल कर देंगे ये प्याज देना बेटा नहीं नहीं प्याज नहीं दही दे दो दही हाँ टमाटर दे दो ये एक पाव टमाटर यानी तीन टमाटर थे मैंने इनको जो है ना काट लिया था तो ये हम टमाटर भी इसी में डाल देंगे अच्छा इसकी सेम वही रेसिपी होती है डिफरेंट होती है नहीं ये बिल्कुल अलग है बेटा हाँ। अच्छा नमक दो नमक ये रहा नमक मैं डाल रही हूँ अपने टेस्ट के मुताबिक तकरीबन एक चम्मच के करीब डाल रही हूँ मैं अच्छा सारे मसाले मिक्स करने के बाद ना हम इसके अंदर तकरीबन दो गिलास डालेंगे पानी और इसको हम प्रेशर को हम बंद करके रख देंगे पकने के लिए तकरीबन 20 से 25 मिनट हरी मिर्चें नहीं जाएंगी इसमें कुछ भी कुछ नहीं नहीं जाएगा। नहीं दही भी जाएगा अभी नहीं दही बाद में डालेंगे तो ये दो गिलास भर के मैं डाल रही हूँ इसके अंदर पानी अच्छा अगर प्रेशर कुकर में नहीं बनाएंगे तो फिर वो उतना ही पानी डालें जितने में गोश्त भर जाए हाँ उसमें तकरीबन एक जग पानी भर के डालेंगे उसमें ज़्यादा जाता है पानी हाँ रोगन आने लग गया अभी से वो देखो माशाल्लाह हाँ माशाल्लाह से रोगन आ रहा है अच्छा इसको मैं ढककर और इसको बंद कर देती हूँ बिस्मिल्लाह हो गया पर हम जिसके ये दूध लिया है मैंने तकरीबन ये देखें आधी प्याली करीब दूध है और इसके अंदर थोड़ी सी ज़ाफ़रान हम इसके भिगो के रख देंगे ताकि इसका फ्लेवर और इसका कलर आ जाए इसके अंदर ज़ाफ़रान बहुत अच्छी होती है हेल्थ के लिए आपकी स्किन केयर के लिए हाँ अच्छा इस हमें जो है ना जैसे काम तो हम करते हैं अपनी सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए बारे में बता रही थी मोहतर के ज़ाफ़रान है ना हमारी सेहत के लिए स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है जिनके निशानात हो जाते हैं ना दाने निकल आते हैं उसके बाद निशानात छूट जाते हैं तो ज़ाफ़रान को आप दूध में डाल के या बलाई में डाल के आप मिक्स करके आप अपने फेस पे लगाएंगे इससे रंग भी साफ़ होता है और निशानात निशान भी ख़त्म होते हैं और आई बैग्स के नीचे लगाएं आपके आई बैग्स ख़त्म हाँ हो जाते हैं तो मगर आजकल ना कहाँ करती हैं लड़कियाँ इतनी मेहनत कहाँ करती हैं टाइम भी नहीं मिलता हाँ आजकल लेकिन अपने लिए टाइम निकालना चाहिए सही और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ जी ये सिंघाड़ा पाउडर ये चिल्टन प्योर का सिंघाड़ा पाउडर है ये सिंघाड़ा पाउडर इतना अच्छा है ख़वातीन के लिए मर्दों के लिए और उन ख़वातीन के लिए जिनके कमर में दर्द रहता है या घुटनों में या हड्डियों में दर्द रहता है उनके लिए बहुत ही अच्छा है क्योंकि सिंघाड़ा पूरे 12 महीने नहीं मिलता मगर चिल्टन प्योर ने सिंघाड़ा पाउडर बनाया है और इसको जो है ना इतना अच्छा रिजल्ट आया है जिनके कमर पैरों में दर्द रहता है नकाहत होती है सुस्ती आती है और दर्द की वजह से उनका दिल नहीं करता कोई काम करने के लिए तो दिन में एक या दो बार आप जो है ना एक चम्मच पानी में या दूध में डाल के आप पी लें तो बहुत ही आपको बेहतर महसूस होगी अपनी तबीयत और जो आपका दर्द है इंशाल्लाह ताला उस दर्द में भी बहुत कमी आएगी अच्छा ये आप बता रही है ना इसका ये इसको मैंने भी यूज़ करना शुरू करा है क्योंकि ज़ाहिर है ऑपरेट होता है ज़्यादातर अब ऑपरेट ही होता है 100 में से 98% ऑपरेट हो रहा है नॉर्मल की चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं तो बस ये होता है कि ऑपरेट में आप एनेस्थेसिया तो देते नहीं है बैक पे इंजेक्शन लगाते हैं जिसकी वजह से ना बैक बहुत कमर में दर्द बहुत दर्द हो जाता है और उनको पता होगा जिन जिनके ऑपरेट हो चुके हैं ना तो उससे बहुत कमर में दर्द होता है तो अब अल्लाह का शुक्र है मेरी कमर में दर्द होना बहुत बेहतर हुआ है क्योंकि मैं ये यूज़ कर रही हूँ अब सिंघाड़ा पाउडर और दूध में यूज़ कर रही हूँ तो कोशिश करें कि आप भी दूध में यूज़ करें जिसको दूध हजम नहीं होता वो पानी में यूज़ कर सकता है अच्छा जी इसका सिंघाड़ा पाउडर का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी जिन लोगों को अगर मंगवाना है किसी को कोई तकलीफ़ है कमर में दर्द है हड्डियों में दर्द है गर्दन में दर्द है तो उसके लिए बहुत ही बेहतरीन है अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो दूसरों को भी आप फ़ायदा पहुँचाएँ इंशाल्लाह
उनकी तकलीफ जो है ना दूर करेगा अल्लाह पाक। तो टेंट शवाना लिख के आप मंगवाएंगे तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। 10% डिस्काउंट ज़रूरी है। हाँ तो जी यहाँ पे गौसिया नली बिरयानी का मसाला तैयार हो रहा है। इधर हम चावल बॉयल करने के लिए रख देते हैं ताकि हमारा टाइम भी बच जाए और जल्दी से मज़ेदार बिरयानी तैयार भी हो जाए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। चावल बॉयल करने के लिए आप बड़ा ही बर्तन यूज़ करें ताकि चावल खुले खुले बने और फिर खिले खिले भी बनेंगे। हाँ अच्छा, चावल जो हम बॉयल कर रहे हैं ना, चावल बॉयल करने के लिए हमने जो पानी लिया है इसके अंदर मैं डाल रही हूँ दालचीनी और इसके अंदर डालेंगे हम सफ़ेद ज़ीरा, एक दो लौंग डाल दें और ये बादियान का एक फूल और ये आधी बड़ी इलायची बस, और नमक डालेंगे हम इसके अंदर। नमक अगर इसके अंदर ज़्यादा भी जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये बॉयल चावल है इसका पानी निकल जाएगा। सिर्फ टेस्ट के लिए हम नमक यूज़ करेंगे और थोड़ा सा डाल रहे हैं यहाँ पर पुदीने के पत्ते और थोड़ा सा हरा धनिया। तो जैसे ही इसके अंदर उबाल आता है उसके बाद फिर हम इसके अंदर चावल डालेंगे। चावल मैंने भिगो दिए थे और तो चावलों को मैंने भिगो दिया था, इसको भिगोए हुए 2 घंटे हो गए। ये चावल है सेला चावल और ये भीगने में तकरीबन जो है 2 घंटे लेते हैं। अच्छा, अगर मैं बासमती चावल यूज़ करती हूँ तो मैं आपको बताती हूँ कि बासमती चावल तकरीबन 15 से 20 मिनट भीगते हैं और ये वाले चावल 2-2.5 घंटे भीगते हैं। तो अभी इसको 2 घंटे हुए हैं भीगे हुए, उसके बाद हम जब बॉयल करेंगे ना तो चावल टूटेगा नहीं इंशाल्लाह ताला और अच्छे बनते हैं, यानी खिले खिले बनेंगे चावल। तो जी पानी में उबाल आ गया है और अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर ये चावल, इसको धो लिए थे और इसको हम डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। अच्छा, 1 किलो चावल है ये, 1 किलो चावल में 1 किलो गोश्त, आप चाहें तो इसमें ज़्यादा भी कर सकते हैं गोश्त, मगर 1 किलो बिल्कुल सही रहता है, बराबर के ही होता है हिसाब। और जैसे मैंने बताया कि नली है जो है ना उसका वज़न अलग होगा। हाँ, 1 किलो से अलग होगा, वो नहीं शामिल होगी। ऑयली भी होती है वो। होती है ना, ऑयल कम डालना पड़ता है इसमें। इसको हम तकरीबन 2 कड़ी इसकी रहने देंगे, इसके बाद चावल को हम छान लेंगे, पूरा बॉयल नहीं करना। चावलों में जो है ना अभी 2 कड़ी बाकी है, अब मैं इसको छान लूँगी। देखें इस तरह से दबाने से, आप इसको दबाएंगे ना तो अंदर से कच्चापन निकलेगा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो ये देखे चावलों को हमने छान लिया है। यहाँ पर मोतर जो है अभी बना रही हूँ सलाद, तो जल्दी जल्दी काम हो जाएगा इस तरह से। तो जी यहाँ पे जो हमने बीफ और नली मसाला डाल के हमने पकाने के लिए रखा था, 15 से 20 मिनट हो गए इसको पकते हुए। तो अभी मैं खोल के देखूंगी प्रेशर कुकर, थोड़ा सा मैंने बंद कर दिया, थोड़ा भाप में गल जाए, उसके बाद हम इसको खोलेंगे। ये ना सीटी मार रहा है, आप कह रही ना बीफ और नली, मैंने कहा उसको देखकर सीटियां मार रहा है। सीटियां मार रहा बीफ और नली को देख के सीटियां मार रहा छिचोरा है बहुत। यहाँ हम बता रहे हैं प्याज काटने का तरीका, इसमें हम खुद फेल हैं, हम गुटा काट देते हैं। कपड़ा है ना, तो ये प्रेशर कुकर का सिस्टम अलग ही है इसको खोलने का। और ये देखें माशाल्लाह से सालन, अभी जो है ना इसका पानी हमें खुश करना है। गोश्त देख लेते हैं गोश्त गला या नहीं गला। गोश्त तो गल गया, हाँ इसका पानी खुश करेंगे इसमें। अब इसको पानी खुश होने तक इसको पकाएंगे हम। तो यहाँ पे मैं 1 प्याली दही है ये शामिल करूँगी और ये दही डाल के इसको भूनेंगे।
पानी खुश्क हो जाए इसका जब तक इसको भुनेंगे, और इसको इसी तरीके से हम चलाते रहेंगे। अच्छा, यहाँ पे गोश्त गल गया, नलियाँ भी जो है अच्छे से पक गई हैं, तो मैं इसको निकाल रही हूँ एक अलग प्लेट में ताकि इसका गूदा जो है ना वो निकले नहीं जब हम सर्व करेंगे ना, क्योंकि ये है ही स्पेशल नली निहारी, वो नली बिरयानी, नली नली बिरयानी, हाँ नली बिरयानी। और पता है बड़ी फेमस है ये, बहुत फेमस है, और ये बहुत फेमस है ये बिरयानी। अब मैं आपको रेसिपी दे रही हूँ, आप भी बनाइएगा अपने घर में गोशिया नली बिरयानी। तो जी यहाँ पे मैंने थोड़ा जो है ना अभी इसके अंदर पानी है, क्योंकि हमने दो कनी जिस चावल में हमने छोड़ी है तो वो इसमें दम में आ जाएगा। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ ये पुदीना, इसको धोकर काट कर और मैं ऊपर से डाल रही हूँ इसमें। 7-8 हरी मिर्चें ये भी मैं डाल दूँगी, और बस अब फाइनल जो है ना हम इसको दम पे रखेंगे। ये प्याज है एक प्याली, ब्राउन प्याज ये हम डाल देंगे। ये जी रेड फूड कलर है एक चुटकी, और दो चुटकी है बिरयानी का जो कलर होता है ना ऑरेंज कलर येलो कलर, वो आप ले सकते हैं। अच्छा, इसको हम जो है ना मिक्स कर देंगे, थोड़ा सा पानी डाल के इसमें हम शामिल करेंगे। अच्छा, ये इसी में जाएगा? हाँ, बेहतरीन सा कलर हो जाएगा। वो कितना डार्क कलर होगा। अच्छा, इसको मिक्स कर लेते हैं। ये डाल रही हूँ इसमें, बस अभी ये चावलों के ऊपर भी डाल देंगे ना। हाँ, ये ऊपर एंड में डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर मैं चावल इसके ऊपर से डाल रही हूँ, सारे चावल हम डाल देंगे। अच्छा, मिक्स नहीं करा है अभी आपने से वैसे ही? हाँ, तो मोत्ता ने यहाँ पे सलाद बना दिया और अभी लग रही है भूख। कितना टाइम लगा मोत्ता इसको पकने में? अम्मी, सलाद बनने में तो सिर्फ 5 मिनट लगे हैं और इसको पकने में अभी टाइम लग रहा है, अभी तकरीबन 1 घंटा लग गया है। 1 घंटा बिरयानी इतना तो टाइम लेगी। हाँ, और अभी इसको दम पे रखेंगे, तकरीबन 10 से 12 मिनट दम लगाएंगे। यहाँ पर हम ये देना ज़ाफ़रान, ये ज़ाफ़रान हमने रखा था ना दूध में डालकर, वो भी दे दो कलर। ये भी इसमें भी हम ज़ाया नहीं करेंगे, ये भी डाल दो। अच्छा, इसी में करके कर देंगे। इसमें और भी है ज़ाफ़रान? हाँ, थोड़े से चावल डाल दूँ। बड़ी अच्छी खुशबू होती है ज़ाफ़रान की। यहाँ पर अभी मैंने मीडियम फ्लेम किया हुआ है, 1-2 मिनट बाद मैं इसको लो फ्लेम पे कर दूँगी। और ये जो कलर है ना इसी में मैंने डाल दिया था ज़ाफ़रान, ये मैं डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और यहाँ पे हम रख देंगे नलियाँ। अच्छा, हम एंड में इसलिए रख रहे हैं चावल, चावल ना टूटे। हाँ, चावल क्योंकि निकालते हैं तो चावल टूट जाते हैं। तो यहाँ पे हाँ हवा चल रही है, सकते हैं ना। यहाँ पे फॉइल पेपर लगा रही हूँ, पकड़ना मत, ढक्कन रखो, ढक्कन रखो। इससे ये होगा कि भाप जो है ना इसकी निकलेगी नहीं और चावलों में जल्दी दम लग जाए। 10 मिनट के बाद हम इसको फिर खोलेंगे। तो जी दम लगाए हुए इसको हो गए 10 मिनट, अब मैं इसको खोलूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ढक्कन गर्म होगा। तो जी यहाँ पर गोशिया नली बिरयानी तैयार हो गई है, अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, साइड से हम निकालेंगे। अच्छा, नलियाँ मैंने ऊपर इसलिए रखी हैं कि चावल नहीं टूटे। मिक्स कर लेते हैं थोड़ा सा। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। मैं निकाल रही हूँ अभी इसको बड़े से थाल में, करते रहेंगे और इस तरह से मिक्स करते रहेंगे। ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, धुएँदार बिरयानी। हाँ, आज तुमने बाहर भी जाना कैंसिल कर दिया बिरयानी की वजह से। बिरयानी बन रही है भाई, मेरी फेवरेट, हसन की फेवरेट। ये जी
तो जी यहाँ पे हम इसका नली का गुदा निकाल लेते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है। ये निकला है गुदा। सही, ये सलाद रायता भी था, बना दी थी। खा के देखो, आप खाएं, टेस्ट करें, गरम हो रहा होगा अभी तो बहुत ज़्यादा। गुदा विद नली बिरयानी अच्छी बनी होगी। तो जी आज की वीडियो कैसी लगी, गोश्त नली बिरयानी की रेसिपी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।